हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफल अस्बा, वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आपके चैप्टर का नाम है द कोप एंड द एंथम। एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर ली है, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर रेफर्ड टू इन द टेक्स्ट। अब बच्चों, इसमें पूछा गया है आपके टेक्स्ट में, जो भी आपकी बुक में, वो कुछ साइंस बताए गए हैं जिससे हमें पता चलता है कि विंटर आने वाली है। तो हमने 3 साइंस पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे हमने? कि बर्ड्स जब साउथ की तरफ फ्लाई कर रही थी, और पीपल क्या कर रहे थे, वार्म क्लोथ्स को पहन रहे थे और ख़रीद रहे थे, एंड पत्तियाँ जो हैं, डेड लीव्स जो हैं, वो गिर रही थी। तो ये 3 से हमें पता चलता है कि सर्दियाँ या विंटर पास आ रही हैं। तो द नरेटर सेज दैट व्हेन बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, व्हेन पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स एंड व्हेन डेड लीव्स फॉल, वन कैन बी श्योर दैट विंटर इज नियर। क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, ये वैसे तो आपको लास्ट में दिया गया था शायद, बट इसमें आपको सेकंड नंबर पर दे दिया, बट कोई बात नहीं, आप लोग देख के कर लीजिएगा। सपोज नो कोप केम एट द एंड, व्हाट वुड सोफीज लाइफ बी लाइक थ्रू द विंटर। बच्चों मान लो, सपोज करो, अगर कोप नहीं आता एंड में उसे पकड़ने के लिए, जब उसने सोचा था कि मैं अपनी लाइफ को एकदम चेंज कर लूँगा, तो अगर उस टाइम पे कोप नहीं आता, तो सोफी की लाइफ जो थी वो विंटर में कैसी होती। बच्चों अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो सोफी की लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती अगर उसको कोप पकड़ने नहीं आता, और वो खुद से जॉब ढूंढता, क्योंकि जॉब ढूंढना बच्चों इतना आसान नहीं होता है, और उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था कि उसको जॉब के लिए आसानी से रखा जा सके। तो इसीलिए उसकी लाइफ जो थी, और उसके पास कोई होम भी नहीं था रहने के लिए, हाउस नहीं था खाने के लिए, मतलब कुछ भी नहीं था उसके पास रहने के लिए, तो इसलिए उसकी लाइफ जो थी वो विंटर में डिफ़िकल्ट हो जाती। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है, परहैप्स हमें जो है ना दोनों साइड्स को देखना होता है, शायद ऐसा भी हो सकता था कि वो अपनी अच्छी लाइफ लीड करता, मेहनत करता, डिटरमाइन होता अपने वर्क पर, तो शायद वह अपनी अच्छी लाइफ भी जी सकता था। तो दोनों तरह से हम इसको आंसर कर सकते हैं। सपोज नो कोप हैड केम एट द एंड ऑफ द स्टोरी, सो भी है वुड हैव परहैप्स गिवन अप ऑन हिज बैड वेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉमिस ही हैड मेड अपॉन सीइंग हिज ओल्ड होम एंड रिमेंबरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, ही वुड हैव लुक्ड फॉर द मैन हु हैड ऑफर्ड हिम अ जॉब, एंड देन अपॉन गेटिंग द जॉब वुड हैव स्टार्टेड लीविंग एन ऑनेस्ट मैंस लाइफ। तो शायद वो एक अच्छी लाइफ जीना स्टार्ट कर देता, और बुरे काम जो भी वो सोच रहा था, बैड चीज़ें, वो डिज़ायर्स जो थी उसकी, बैड डिज़ायर्स को छोड़ भी देता वो शायद। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फ्लोविंग। हमें ट्रू और फॉल्स लगाना है यहाँ पर, सही और गलत। सोफी डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू प्रिजन, सोफी जो था वो प्रिजन के अंदर नहीं जाना चाहता था, ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि वो तो जाना चाहता था। सोफी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स, सोफी कई बार प्रिजन में जा चुका था, तो यस ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि वो कई बार जेल जा चुका था सर्दियों की ही दिनों में। इट वॉज़ नॉट पॉसिबल फॉर सोफी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर। अब सोफी के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो सर्वाइव कर पाए सिटी में विंटर के दिनों में, तो ये भी बिल्कुल सही है। सोफी हेटेड टू आंसर क्वेश्चन ऑफ अ पर्सनल नेचर। अब सोफी के बारे में अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन करेगा, तो उसको उस चीज़ से नफरत थी, तो बिल्कुल सही, ट्रू, वो नहीं चाहते थे कि उसकी पर्सनल लाइफ कोई पूछे। तो पहला आपका फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड आपका फॉल्स, एंड फोर्थ आपका ट्रू, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रिटेल, ये भी बच्चों आपका लास्ट में क्वेश्चन आता है, बट यहाँ पर आपको पहले ही दे दिया गया। रिटेल एन एपिसोड इन द स्टोरी विच इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आयरनी इन अ सिचुएशन। अब बच्चों हमें बतानी है कि स्टोरी में जो आयरनी हुई, तो कोई गुड एग्जाम्पल देना है हमें आयरनी का, ठीक है। तो इतनी सारी हमें सिचुएशंस दी गई, तो उसमें से हमें कोई लिखनी है, कोई भी लिखनी है। तो जैसे आयरनी क्या हुई उसके साथ, जब वो चाह रहा था कि उसे कोप पकड़ ले, वो उसने कितने अटेम्प्ट्स किए, उसे कोई भी फिर पुलिस वाला पकड़ ही नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि वो अपनी लाइफ को अच्छी बनाएगा और एक मेहनत करेगा, जॉब हासिल करेगा, तो क्या हुआ, उसे क्या हुआ, कोप ने पकड़ लिया। तो ये एक आयरनी हुई, जो उसने सोचा नहीं वैसा हो गया उसके साथ। तो वन ऑफ द आयरनिक एपिसोड्स इन द स्टोरी वॉज वेन सोफी डिसाइडेड टू टर्न अ न्यू लीव ऑन सीइंग हिज ओल्ड होम एंड रिमेंबरिंग हिज चाइल्डहुड डेज। जब वो अपने चाइल्डहुड डेज को याद कर रहा था, अपने पुराने घर को देख कर, तो उसने डिसाइड किया कि मैं बदल जाऊँगा, बट ही डिसाइडेड टू फाइट टू चेंज हिज लाइफ। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए पूरी मेहनत करेगा और उससे फाइट करेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप एंड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, फिर से एक मैन बनेगा वो और ख़ुद को खड़ा करेगा। राइट एट दैट मोमेंट अ कोप आस्क हिम व्हाट ही वॉज डूइंग देयर। अब कोप आता है, पूछता है क्या कर रहे हो तुम इधर भाई,
ही आंसर दैट ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, वो उसने बोला कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा था. द कोप डिड नॉट बिलीव हिम, कोप उसका बिलीव नहीं करता, एंड सोफी बिगिन टू आर्ग्यू इन हिज डिफेंस, और सोफी उससे आर्ग्यू करने लगता है. द कोप अरेस्टेड हिम एंड ही वॉज सेंटेंस टू 3 months ऑफ प्रिजन ऑल ऑन ब्लैक बिल्स आइजन, और फिर उसको 3 महीने के लिए जेल की हवा खानी पड़ती है. When Soapy actually broke rules and took the law in his hands, no one arrested him. But when he had done nothing and had decided to change for the good, he was arrested and sent to the prison. This is the irony of the situation. कि जब उसने laws को तोड़ा, तब तो किसी भी पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा, लेकिन जब उसने कुछ भी नहीं किया और तब वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता था, तब आके कोप ने उसे पकड़ लिया. तो ये थी आयरनी इस स्टोरी की. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज सोफीज फर्स्ट प्लान, सोफी का फर्स्ट प्लान क्या था, व्हाई डिड इट नॉट वर्क, और वो काम क्यों नहीं किया था. तो सोफी का फर्स्ट प्लान क्या था कि वह अच्छे से आलिशान रेस्टोरेंट में जाएगा, खाएगा और पैसे देने के लिए मना कर देगा, फिर वो लोग क्या करेंगे, पुलिस वालों को बुलाएंगे और फिर मैं जेल चला जाऊंगा. बट वो वर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ जो वेटर था उसने उसे गेट पर ही रोक लिया, अंदर ही नहीं जाने दिया और उसे वापस भेज दिया. तो आंसर पढ़ते हैं, सोफीज फर्स्ट प्लान वॉज टू हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट एंड देन से दैट ही हैड नो मनी टू पे, दिस वुड कॉज अ कॉप टू बी कॉल्ड हु वुड देन अरेस्ट हिम, द जज वुड डू द रेस्ट, और जज उसे क्या कर देगा, 3 महीने की जेल की सजा सुना देगा. बट क्या हुआ, हाउएवर हिज प्लान डिड नॉट वर्क, उसका प्लान काम नहीं किया. एज सून एज सोफी एंटर्ड द रेस्टोरेंट, जैसे ही वो डोर के पास गया, रेस्टोरेंट के डोर के पास गया अंदर जाने के लिए, द हेड वेटर ने क्या किया, उसको देखा, उसके ब्रोकन ओल्ड शूज़ को देखा, एंड द टॉर्न क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स, एज अ रिजल्ट सोफी वॉज टर्न आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, उसको वापस उल्टे पैर भगा दिया, मतलब वापस कर दिया उसको कि आप अंदर नहीं जा सकते. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी, वॉट डिड द कोप नॉट कंसिडर एंड वाई. अब सोफी को कंसिडर कर ही नहीं रहा था उसका माइंड, किसका, कोप का माइंड कंसीडर कर ही नहीं रहा था सोफी को. व्हाट डिड द कोप नॉट कंसीडर, क्या कंसीडर नहीं कर रहा था एंड व्हाई, और क्यों. तो बच्चों हमने पढ़ा था कि कोप, जब हमारे सोफी ने क्या किया, एक पत्थर से शीशा तोड़ा, वहीं पर आराम से खड़ा रहा और जैसे ही कोप आया तो कहने लगा मैंने शीशा तोड़ा है, भाई मैंने शीशा तोड़ा है. अब बताओ, जब कोई गलत काम करता है तो कहता है कि कोई मैंने किया है, तो इसीलिए कोप को भरोसा ही नहीं हुआ उस पर, उसने कहा कि ऐसे क्रिमिनल क्राइम करके बताते थोड़ी हैं, तो इसीलिए उसको बिलीव ही नहीं हुआ हमारे सोफी पर, इसीलिए कोप ने उसको पकड़ा ही नहीं. द कोप डिड नॉट कंसीडर दैट सोफी कुड हैव ब्रोकन द विंडो ऑफ द शॉप, शॉप की विंडो तोड़ी है सोफी ने, ही कंसीडर ही नहीं कर रहा था कोप. ही डिड नॉट कंसीडर हिम बिकॉज मैन हु ब्रोक विंडोज वुड नॉट स्टॉप टू टॉक टू कोप्स. अगर मान लो अगर कोई आदमी तोड़ता है विंडो को तो वो बात तो नहीं करता खड़े होकर कोप्स के साथ, दे वुड रन अवे एज फास्ट एज दे कुड, और वो जितना दौड़ सकते हैं वो जल्दी से भाग जाते हैं वहाँ से. ऑन द अदर हैंड सोफी क्या कर रहा था, वहीं पर खड़ा था, सोफी वॉज स्टैंडिंग राइट देयर. द कोप देन सो अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग एंड ही रैन आफ्टर हिम. अब वहाँ सोफी तो खड़ा था कि भाई मैंने तोड़ा है मुझे पकड़ लो, लेकिन कोप ने तो उस पर बिलीव नहीं किया. वहाँ पर जो दूसरा आदमी वहाँ से भाग रहा था उसके पीछे जाके भागने लगा कोप, थिंकिंग दैट ही वॉज द कल्प्रिट, उसने सोचा शायद वही है जो भाग रहा है वही है क्रिमिनल. क्वेश्चन नंबर 5, ही हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, व्हाट इज द पुलिसमैन रेफरिंग टू. वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, व्हाट इज द पुलिसमैन रेफरिंग टू. अब पुलिसमैन किसको रेफर कर रहा था कि वी हैव ऑर्डर्स, कि उसे ऑर्डर्स दिए गए हैं कि वो चिल्लाएंगे, मतलब वहाँ पर क्या हो रहा था, जब हमारा जो सोफी था वो चिल्लाने लगा, बाहर खड़ा होकर चिल्लाने लगा, तो फिर एक मिनट, थिएटर था मान लो, ये थिएटर है, उसके बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा है बहुत तेज़ हमारा जो सोफी है, और वहाँ पर एक पुलिस मैन खड़ा है. तो जब ये चिल्ला रहा था तो पुलिस मैन ने, एक आदमी उसके पास और खड़ा था, तो उससे कहने लगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं कहो, ये जो है वो कॉलेज के लड़कों में से कोई होगा और हमें मना किया गया है कॉलेज के लड़कों को कुछ कहने के लिए और उन्हें अरेस्ट करने के लिए. तो ये इसीलिए, When Sophie began to shout as if he was drunk, जो लोग drunk करते हैं उनकी तरह वो shout कर रहा था Sophie. The cop turned his back, Sophie ने उसे देखा और वापस मुड़ गया, and said to a man standing near that the person shouting was one of the college boys. उसे वो किसे क्या समझ रहा था, उसे कॉलेज का कोई लड़का होगा, and he would not hurt anything. और वो जो है पुलिस मैन उनको हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसे आगे से ऑर्डर आया हुआ था. He said that the police had orders to let them shout, कि अगर वो चिल्लाएं तो उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें कुछ ना किया जाए. क्वेश्चन नंबर 6,
राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोविंग. अब हमें फिर से ट्रू और फॉल्स यहाँ पर करना है. तो सोफी स्टोला मैन अम्ब्रेला. सोफी ने मैन का अम्ब्रेला चुराया. ट्रू, बिल्कुल ट्रू है ये. द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर्ड टू गिव इट टू सोफी. तो जो अम्ब्रेले का ओनर था उसने सोफी को क्या किया, वो अम्ब्रेला ऑफर कर दिया. ये भी ट्रू है क्योंकि वो अम्ब्रेला उसका भी नहीं था, वो तो रेस्टोरेंट से लाया था. द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वॉज नाउ सोफीज. तो जो मैन ने अम्ब्रेला को स्टोल किया था अब वो सोफी का था, सोफी का हो गया. तो ट्रू, सोफी थ्रू अवे द अम्ब्रेला. सोफी अम्ब्रेला को ले, सोफी ने क्या किया, अम्ब्रेला को फेंक दिया, थ्रू. तो ये सारे ही सही हैं. ठीक है, तो बच्चे ये सारे ट्रू होंगे. ट्रू ये फॉल्स नहीं, ये भी बच्चे ट्रू होगा. ये सारे ही बच्चे ट्रू होंगे. ठीक है, आपको ट्रू का ट्रू लगाना है यहाँ पर, फॉल्स नहीं होगा ये. ठीक है, ये भी ट्रू है. सेकेंड क्वेश्चन नंबर 7 है आपका. देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज इन सोफी. अब अचानक क्या चेंज आया था उसकी आत्मा के अंदर, एक वंडरफुल चेंज क्या था और वो हमें बताना है. तो द चेंज केम अबाउट इन सोफी व्हेन ही केम नियर हिज ओल्ड होम. तो चेंज उसके अंदर कब आया, जब सोफी अपने पुराने घर के सामने खड़ा था. ही कुड हियर अ सॉन्ग कमिंग फ्रॉम द रूम एंड इट साउंडेड फेमिलियर टू हिम. जो आवाज़, जो म्यूज़िक वहाँ से आ रहा था वो बिल्कुल उसी तरह लग रहा था जैसे बचपन में उससे उसको वहाँ से बचपन में वो मतलब वहाँ शायद उसने बचपन में भी वो सुना होगा तो उसको फेमिलियर लग रहा था थोड़ा थोड़ा. ही रिमेंबर्ड दैट वेन ही लिव्ड देयर हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग एज मदर्स, फ्लावर्स, हाई होप्स, फ्रेंड्स, क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स. तो उसे सारी चीज़ें जो हैं वो याद आ रही हैं, फ्लैशबैक हो रही हैं उसके दिमाग में कि कैसे मेरे पास सब कुछ था, मदर थी, अच्छी लाइफ थी, फ्रेंड्स थी, होप थी मेरे पास, क्लीन थॉट्स थे, क्लोथ्स थे, सारी चीज़ें थी. तो जब वो उसके दिमाग में सारी चीज़ें आ रही थी तब उसने सोचा एट द मोमेंट देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. तब उसके एकदम चेंज आ गया उसके सोल में. ही सो विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन. और उसने देखा कि मैं कितना ज़्यादा गिर चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में. ही सो हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, हिज डेड होप्स एंड द लोस्ट पावर ऑफ हिज माइंड. और उसने सोचा कि मैंने अपने दिन को कितने बर्बाद किए, कितनी रॉन्ग डिज़ायर्स रखी अपने दिल में और कितनी मेरी होप मर चुकी है और मेरे माइंड में अब मेरे माइंड में मैं माइंड की पावर ही खो चुका हूँ. कुछ सोचने समझने की पावर ही नहीं बची है मेरे अंदर. तो एकदम उसने सोचा कि मैं अपनी लाइफ को एकदम चेंज कर लूँगा. तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर जो कि सारे ही कम्प्लीट हो चुके हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.